नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भिंड जिले में तैनात अजब अधिकारियों के गजब कारनामों से विधानसभा उपचुनाव की नाव भंवर में दिखाई दे रही है। मामला विधानसभा उपचुनाव कराने के लिए मतदान दल गठित कर प्रशिक्षण पाने के लिए भेजी गई सूची से जुड़ा है, जिसमें कई ऐसे कर्मचारियों के नाम जोड़ दिए हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि जिले की महगाव और गोहद सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके प्रशिक्षण के लिए कलेक्टर वीरेंद्र रावत ने कर्मचारियों की सूची मांगी थी, जिसमें जल संसाधन विभाग गोहद ने 18 ऐसे कर्मचारियों की सूची भेज दी जो पूर्व में ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसी तरह समाज कल्याण विभाग भिंड से गयाराम बझाइया का नाम भेज दिया जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसी तरह शासकीय उच्चतर माध्यमिक खनेता से दो शिक्षक श्रीराम जाटव और पुरुषोत्तम जैन के नाम भेज दिए जो 2019 में ही रिटायर हो चुके हैं, जबकि सूची अप्रैल 2020 में मांगी थी। हालांकि कलेक्टर वीरेंद्र रावत ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालन यंत्री गोहद प्राचार्य हाई स्कूल खनेता और जिला संयोजक समाज कल्याण भिंड को नोटिस जारी कर दिया है। भिंड में पहले भी चुनाव संबंधी कार्यों में अधीनस्थों की लापरवाही का दंश वरिष्ठ अधिकारी झेल चुके हैं। सर, उपचुनाव के दौरान सर कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई, सर क्या मामला है सर? इसमें जो है वो इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए जो नाम बुलाए थे ट्रेनिंग के लिए, तो कर्मचारियों के कुछ रिटायर्ड लोगों के नाम विभाग प्रमुख ने भिजवाए, तो इस संबंध में जो है वो जो विभाग प्रमुख है उसकी जवाबदारी थी कि रिटायर्ड लोग या बीमार लोग या इस प्रकार के उसमें नोट लगाना था और जानकारी नहीं दी जानी थी और ऐसे लोगों के नाम भेजना नहीं थे। इस संबंध में जो हमने सोकास नोटिस जारी किया उनके और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हमने सोकास नोटिस जारी किया।